उत्तर प्रदेश के बरेली में तैनात एसडीएम ज्योति मौर्य की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। ज्योति मौर्य को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के पोस्ट देखने को मिल रहे हैं। दरअसल ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने आरोप लगाया है कि पीएससी अधिकारी बनने के बाद उनकी पत्नी ने बेवफाई की। उनकी पत्नी ने गैर मर्द से नजदीकियां बढ़ा ली। आलोक ने ये भी आरोप लगाया कि उसने पीएससी परीक्षा की तैयारी में अपनी पत्नी ज्योति मौर्य की काफी मदद की, प्रयागराज में कोचिंग करवाई, लेकिन अधिकारी बनने के बाद पत्नी ने धोखा दे दिया। इस बीच ज्योति मौर्य की शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद आलोक पर झूठ बोलकर शादी करने का आरोप लगा है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी का जो कार्ड वायरल हो रहा है, उस पर ज्योति मौर्य के पिता पारसनाथ मौर्य का बयान सामने आया। ज्योति मौर्य के पिता ने बताया कि शादी के वक्त आलोक मौर्य ने नहीं बताया था कि वो एक सफाई कर्मचारी है। आलोक ने खुद को ग्राम पंचायत अधिकारी बताया था। शादी के कार्ड पर भी हमने ग्राम पंचायत अधिकारी वाली बात लिखवाई थी। शादी के कार्ड की वायरल फोटो में ये देखा जा सकता है। जान ले कि ज्योति के पिता यूपी में वाराणसी के चिराई गांव में रहते हैं। ज्योति के पिता ने कहा कि अब तो आलोक मौर्य चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बता रहे हैं कि वो एक सफाई कर्मचारी है, लेकिन शादी से पहले उन्होंने और उनके परिवार ने झूठ बोला था। जो शादी झूठ की बुनियाद पर हुई हो, उसका अंजाम तो ऐसा होना ही था। दूसरी तरफ आलोक मौर्य का आरोप है कि पीएससी अधिकारी बनने के बाद ज्योति ने उनके साथ बेवफाई की। होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ ज्योति का अफेयर है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने पति और ससुराल वालों को जाति सूचक शब्द कहते हुए नजर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो ज्योति मौर्य का है। बरेली में भीम आर्मी ने इस संबंध में शिकायत भी दर्ज कराई है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।